दिल मेरा टूटा जैसे हूँ तारे, हर कोई पूछे मुझसे तेरे बारे। बेटिया पहुंचा है एक म्यूजिक वीडियो के लॉन्च पे जिसका नाम है तेरे बारे, जो रिलीज हो चुका है VMP ओरिजिनल्स पे। और इस वक्त हमारे साथ है तेरे बारे की हीरोइन, यानी हम सब की प्यारी सी गांधारी, जिन्हें हमने कई सारे माइथो शोज में देखा है, लेकिन अब कुछ अलग ही अवतार में नजर आ रही हैं ये। सो वेलकम रिया दीप्सी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच मेरा इतना अच्छा वेलकम करने के लिए। पर अब यार गांधारी से इंट्रोड्यूस करना बंद करो, अब आप मुझे रिया दीप्सी बुला सकते हैं। क्या करें भाई, महाभारत इतना बैक टू बैक हम सब ने देख लिया है कि वो गांधारी जा ही नहीं रही है। नहीं नहीं, आई लव यू ऑल सो मच। मुझे आज भी इतने सारे मैसेजेस मिलते हैं, इतना प्यार मिलता है, इतने सारे स्केचेस बनाते हैं लोग, दैट आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट विद द लुक, क्या पहना है आज आपने? जैसे आप देख सकते हैं मैंने एक ड्रेस पहनी है, और इसकी एक स्टोरी है जो मैं आपको बताती हूँ, और एक ये स्टेटमेंट फुटवेयर पहना है। आई होप ये आपको अच्छा लगे, क्योंकि ये काफ़ी ट्रैफिक से गुजरते हुए आया है, बहुत ट्रैफिक मिली है इसे। सो एनीवे, ये पूरा का पूरा लोग लास्ट मिनट प्लान था, लेकिन जब मुझे ड्रेस फाइनल करना था, सो आई सॉ दिस ड्रेस एंड एज यू कैन सी इसमें तारे बने हुए हैं, और हमारे म्यूज़िक वीडियो में एक लाइन है, दिल मेरा टूटा जैसे तारे, तो वो मेरा फेवरेट लाइन है। जब मैंने ड्रेस देखा मुझे वो लाइन याद आ गई, एंड आई एम लाइक आई एम गोना वेयर दिस ड्रेस, एंड दैट इज़ नाउ कमिंग टू द सॉन्ग। किस तरह बना ये गाना एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? किस तरह बना ये तो सब जानते हैं। लेकिन बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हम लोग भोपाल गए थे शूट करने के लिए, एंड इतने अच्छे टाइम पर गए थे ना, बहुत अच्छा मौसम था, हम जहाँ रुके हुए थे वो भी काफ़ी आइसोलेटेड जगह थी, हर जगह ग्रीनरी थी, तो काफ़ी मज़ा आया। इनफैक्ट हम जहाँ रुके थे वो भी उन्होंने ना कुछ ऐसे विंटेज लग्जूरियस वाली फीलिंग देके रखी थी, ऐसा लग रहा था कौन सी हवेली आ गए हम लोग। तो हमें शूटिंग कम, आई थिंक मस्ती और वेकेशन ज़्यादा लग रही थी। सो रिया, इस गाने में हम देख रहे हैं आपको डांस मूव्स करते हुए, सो क्या है इसके पीछे का राज? इसका राज, सो आई टेल यू समथिंग, मैं ना लॉकडाउन जब सेकेंड वाला हुआ तो मैंने कहा मुझे ना डांस वीडियोज़ भी अपलोड करना चाहिए, एंड दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड पुटिंग डांस वीडियोज़ ऑन रील्स। और एक दिन बारिश हो रही थी, बड़ा मन था मेरे गाने पर डांस करने का, और मैंने कंटेम्प्रेरी ही डांस किया उस पर, एंड आई अपलोडेड अ ब्लूपर वीडियो, एंड दैट ब्लूपर वीडियो देख के मुझे शाम को हर्ष का फ़ोन आया, क्या कर रही हो तुम? ओह हर्ष हमारे प्रोड्यूसर है VMP ओरिजिनल्स। हर्ष का फ़ोन आया और हर्ष से बोला क्या कर रही हो तुम? मैंने कहा मैम दोस्त के साथ बैठी हूँ। तो शी ही इज़ लाइक कि तुम आ जाओ, एक म्यूज़िक के बारे में बात की थी ना, वो हमें करना है। टिल देन आई डिडंट नो दैट दे सॉ माई डांस एंड वी आर सपोज टू डू अ कंटेम्प्रेरी। जब हम वहाँ गए ना तो हमें पता चला कि कंटेम्प्रेरी डांस करना है, एंड दे लाइक्ड माई डांस ऑन दैट इंस्टा, सो दे वर लाइक हाँ शी कैन पुल इट ऑफ। लेकिन ये डांस मैंने ऐसे ही नहीं किया है, हमें बहुत अमेजिंग कोरियोग्राफर्स मिले थे जिन्होंने वो पूरा का पूरा डांस डिज़ाइन किया है और एक दिन में हमको सिखाया है, जिन्हें मैं इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ। सो प्लीज़ वेलकम अभिनव एंड तिशा। तो अब मैं आपका इंटरव्यू लूँगी क्योंकि श्रुति ने अपनी पोजीशन छोड़ दी है। तो कैसा लग रहा है आपको म्यूज़िक वीडियो, और एक मिनट आपको अपने स्टूडेंट्स कैसे लग रहे हैं? मैम हमारी आंखों में आंसू आ गए हैं। सो बहुत ही सुंदर आया है वीडियो। आई रिमेम्बर जब हम फर्स्ट मिले थे इनसे, हमारे पास एक ही दिन था प्रैक्टिस करने का, और हम बहुत स्ट्रेस हो गए थे बिकॉज कंटेम्प्रेरी डांस स्टाइल था, इट्स नॉट ईजी, मतलब बहुत ट्रेन डांसर्स कर पाते हैं, एंड वी हैड ओनली वन डे, और
हम बहुत मतलब हमने बहुत इनको रगड़ाया, एक दिन बहुत रगड़ाया, सुबह हम पानी में थे, हाँ डोंट रिमेम्बर, आई विल नेवर फॉरगेट दैट लाइन। हमने इतना इनकरेज किया इनको, हमने आते ही बोल दिया कि देखो आप बिल्कुल पानी में हो, आज पानी से निकल के आना है, कल ही शूट, फिर ही शूट हो पाएगा। सो दे डिड अ ग्रेट जॉब, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। एक दिन के अंदर आई थिंक 6 घंटे 8 घंटे, सुबह 10 बजे से जो हम शुरू किए थे, रात के 8 बजे तक चला है। मुझे इसलिए याद है कि मैंने 8 बजे खाना खाया था। और उन्हें बहुत अच्छी तरीके से सीखा और बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है गाने में, सो वे वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। यस, सो रिया ने जैसे हम जब रात को थक के आते थे हमारे होटल में, सो रिया जो है हमारे यहाँ पे बहुत ही टैलेंटेड डांसर है, पर बहुत लोगों को नहीं पता होगा ये बहुत ही अच्छी सिंगर भी है। इन्होंने हमें काफ़ी एंटरटेन किया है, हमारा रिलैक्सेशन वॉज रिया के गाने, तो रिया गा के सुनाइए प्लीज़। जी मैं हमारे ही गाना गाती हूँ, एक लाइन।